तो गाइज आज हम रूपम जा रहे हैं और रूपम जो विशाल के बगल में है तो वहाँ 70% छूट लगा था। तो मुझे ये कोट जो सामने देख रहे हैं वो मुझे पसंद आया था तो मैं इसे देख रही थी। तो मुझे इसमें जो प्राइस था मैंने वो प्राइस देखा तो समथिंग 4045 के करीबन इसका रेंज था और उसके ऊपर 70% छूट थी। तो मुझे कुछ ठीक ठाक लगा मगर रेंज के हिसाब से मुझे महंगा लगा तो मुझे लगा कुछ और ले लेना चाहिए मुझे। तो ये लोवर टी शर्ट आजकल रेंज में चल रहा है, सनील में है और वेलवेट में, तो बहुत अच्छा लग रहा था, 750 की रेंज में था। और जो ये स्वेटर्स थे इनके भी रेंज काफ़ी अच्छे हैं, जो मैं छू रही हूँ ये काफ़ी अच्छे रेंज में थे और हाफ बाजू के भी थे। तो ये मुझे पसंद आया है, इसमें मैं आपको एक दिखाती हूँ कि ये मुझे कौन सा पसंद आया। तो ये इस टाइप के यहाँ 2-3 कलर थे तो जो मुझे पसंद आए, काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मुझे ऐसा लगा ले लेना चाहिए। मगर इसके भी रेंज काफ़ी हाई थे और जो 70% 60% की छूट में लगे हुए थे तो काफ़ी हद तक मुझे पसंद आए। ये स्वेट सूट थे और अंदर गई मैं, अंदर भी काफ़ी कपड़े लगे थे तो छोटे बच्चों के जो हैं वो भी अच्छे खासे लगे हुए थे। तो यहाँ भी छोटे बच्चे की कोट टाइप के बहुत सुंदर दिख रहा था तो मैंने इसको छू के भी देखा तो इसका क्लॉथ काफ़ी अच्छा था। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक अपने लिए जैकेट देख लूँ, लॉन्ग जैकेट, तो मुझे एक लॉन्ग जैकेट ब्लैक में बहुत पसंद आई तो मैंने उसको ले लिया। तो उसकी भी रेंज ऐसी थी 4000 के करीबन, उसमें 60% का ऑफ था तो यहाँ पे लगा भी है पीछे 60% ऑफ। तो ये ब्लैक कलर का जो मैं है मैंने मुझे पसंद आया तो मैंने इसको ले लिया क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ब्लैक लेना भी था। तो काफ़ी मैं उसको देखती रही, मुझे अच्छा लगा, मैंने 2-3 बार उसको देखा तो मुझे सही लगा तो मैंने कहा चलो अब आए हैं तो एक ले ही लिया जाए। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि मुझे एक रेड भी लेना चाहिए तो मुझे रेड पे ध्यान जा रहा था, फिर मैंने एक ब्लैक परचेज कर ली थी तो इसलिए मैंने ब्लैक को छोड़ दिया, रेड वाला मतलब छोड़ दिया, ब्लैक वाला मैंने ले लिया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, रेड वाला भी मैंने देखा तो ये रेड जो है ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो थोड़ा एक्सल साइज़ था, बड़ा साइज़ लग रहा था मुझे तो ठीक ही था, मतलब काफ़ी उतना नहीं, मुझे तो बस रेड अच्छा देखना था तो मैंने सोचा कि ले लूँ। फिर मैंने एक ब्लैक ले लिया था तो फिर मैंने सोचा कुछ और देख लेती हूँ, फिर दोनों कोट हो जाएंगे। तो मुझे इनका रेंज समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें कहीं जगह पर टैग नहीं लगे हुए थे तो मैंने उनसे पूछ लिया था, तो भैया बगल में थे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि जो इस पे रेंज है वो इस 4000 के है और यहाँ पे छोटे बच्चों के मिल रहे थे वह कपड़े टी शर्ट टाइप का, तो मुझे छोटे बच्चे तो जिनके हैं वो ले सकते हैं, हमारे पास तो कोई बच्चा नहीं है छोटा तो हमने इसको नहीं देखा ज़्यादा। तो ये छोटे छोटे बच्चों के बहुत कपड़े थे यहाँ पे और जो गर्ल्स लगी हुई हैं ये हमें रेंज बता रहे थे कि आप कौन सा खरीद सकते हैं, कितने का कौन सा पड़ेगा। तो एक मुझे पसंद आ रहा था तो 600 के समथिंग इन्होंने बताया तो मैं वो भी देख रही थी। काफ़ी कुर्तियाँ और लाइक्रा का टॉप वॉप थे, लाइक्रा के भी, लाइक्रा ब्रांड, कॉटन ब्रांड, इस टाइप के कुछ कपड़े वपड़े थे तो स्ट्रेचेबल थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये ब्लैक वाला भी मुझे ब्लैक कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे तो मैं ब्लैक ही देख रही थी, और भी आगे ब्लैक लगे थे, मेरी नज़र ब्लैक पे ही जा रही थी। ये भी था, ये कॉटन ब्लैंड है ये भी, तो ये भी मुझे पसंद आया, काफ़ी अच्छी कुर्तियाँ थी तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाया जाए तो ये मैंने दिखा रही हूँ मैं आपको। तो आगे मैंने बहुत कपड़े और भी देखे तो मैंने सोचा कि चलिए और भी देख लिया जाए। तो कुर्तियाँ वर्तियाँ लगी थी, आगे जैकेट्स थे तो मेरे को जैकेट्स चाहिए नहीं थी तो मैंने सोचा थोड़ा इधर और कुछ देख लिया जाए। तो यहाँ भी आपकी कुर्तियाँ, टॉप बहुत सारे थे, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे, जैकेट्स भी बहुत अच्छी अच्छी थी। मगर आजकल हर जगह सेल लगे पड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं किसी रेंज में, अच्छी रेंज में कुछ ना कुछ मिल जा रहा है, इसलिए मैं भी सोच रही थी कुछ और अच्छा दिख जाए तो मैं उसको ले लूँ। और तो मुझे कुछ खास फिर लगा नहीं तो मेरे को जितना मैंने एक कोट लेना था मैंने वो ले लिया, वो मैंने परचेज कर लिया था। और बाहर मुझे एक और कोट पसंद आया तो एक मैडम थी उन्होंने मुझे बोला कि 650 रुपये के समथिंग पड़ेगा, फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मैडम ये इसमें छूट कम है और ये 1100 समथिंग की पड़ेगी। तो हालांकि मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दिया जाए। तो मैं इनसे पूछ रही थी तो इन्होंने कहा कि देख लीजिए, मेरे को लगा कि मैं ले सकती हूँ मगर मैं एक ले चुकी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा महंगी ले लिया और ये वाला कलर शायद अभी मेरे को ब्लैक अच्छा लग रहा है तो ये वाला कलर मुझे सूट करेगा नहीं करेगा, मैं बाद में ले लूँगी इसे।
तो मैंने ये नहीं लिया, मैंने ब्लैक ले लिया बस। और उसके बाद मैंने को लगा कि आगे कुछ और खरीद लिया जाएगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और देखेंगे। तो और भी लगे थे, जैकेट्स भी बहुत ही जेंट्स के, तो मुझे एक जेंट्स भी पसंद आया, तो मुझे लगा कि मुझे विकी के लिए ले लेना चाहिए। तो मैं काफ़ी चीज़ कंफ्यूज भी हो रही थी, मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो काफ़ी क्लॉथ इतने सारे, भीड़ इतनी ज़्यादा कि लोग आगे ही खड़े हैं रोड में। और फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक जैकेट कम से कम ले लिया जाए, क्योंकि बहुत भीड़ लगी है तो कुछ ना कुछ लोग अच्छा ही ले रहे होंगे। तो मेरे को लगा कि मैं भी ले लूँ। तो मुझे एक जैकेट बहुत पसंद आई, तो मैं इनको दिखा रही थी, तो रेड कलर की जैकेट जो है वो मुझे पसंद आई और मैं उसको देख रही थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं रेड वाली जैकेट आपको दिखा देती हूँ जो मैंने परचेज़ कर ली थी। फिर इसके बाद हम यहाँ से चले गए थे, तो आप आइए और विज़िट करिए और देखिए यहाँ का रेट कैसा है।